من الشيطان الرجيم يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون واجب الاحترام سامعین محترم اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء حبیب خدا محبوب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی دے صاحبو اور عزیز ساتھیو دین اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، ایسا دین کہ جن نے اپنے منن والیاں نو اسلام نو قبول کرن والے اسلام نو سمجھ کے اپنیاں زندگیاں گزارن والے جڑے دین اسلام نال پیار تے محبت رکھدے نے قبول کردے نے اسلام انہاں نال وی پیار کردا ہے، ہر قسم دی سہولت اونا دی زندگی نو آسان بناندا ہے، کھان پین دا معاملہ تد بھی آپس وچ لین دین دا کاروباری معاملات نے تد بھی نبی علیہ السلام دی جدو آمد ہوئی نا تے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اپنے منن والے انو تربیت تے اونا لوگاں دی کرنی ہے نا کہ جیڑے کئی سالاں دے گناہاں اندر لتھڑے پتھڑے کئی صدیاں تو اللہ دیاں نافرمانیاں کرنے والے شرک دے اندھیریاں وچ دنس جان والے قدم قدم تے اللہ دیاں نافرمانیاں باپ نو بیٹی دا حیا نہیں بڑے نو چھوٹے دا حیا نہیں اپنیاں نو اپنیاں دا حیا نہیں ہر طرف شرک بدعت بے حیائی اور عریانی فحاشی دا طوفان بھبائے اینا بگڑے ہوئے لوگاں دی تربیت مصطفیٰ نے کرنی ہے صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے
जिम्मे भारी ड्यूटी भारी जिम्मेदारी अल्लाह हज़रत जलाल वल इकराम ने लगाई है। और दीन इस्लाम चार चीज़ों का नाम है। पहली चीज अकायद, दूसरी चीज इबादात, तीसरी चीज मामलात और चौथी चीज का नाम अखलाकियात है। अकायद की दसते ने कि अल्लाह हज़ुल जलाल नू अपना रब तस्लीम करना है, अपना सर ओदे अगे झुकाना है, ते मुहम्मद अलैहि सलातो वस्सलाम नू अल्लाह दा रसूल ते अल्लाह दा बंदा मनना है। दूसरी चीज इबादात, अपनियां परेशानियां अपनियां मुसीबतां ते फरियादां अल्लाह हज़ुल जलाल दे सामने रखनियां ने, अपनी पेशानी नू रब दे सामने झुकाना है। तीसरी चीज मामलात, बंदा लैन देन करदा कारोबार करदा माड़िया दे हुकूक, मजदूर आदमी की मजदूरी अदा करनी है, ओदे हिस्से अंदर ओदा हक नहीं खाना। चौथी चीज जड़ी मैं बयान करना चाहना अखलाकियात। अखलाकियात की शॉर्ट फॉर्म अगर समझना चाहो ना तो सारा अखलाक शर्मो हयात है। वे इंसान अंदर शर्मो हया वे ओनू बाप का अदब आएगा, शर्मो हया वे मां का अदब आएगा, शर्मो हया है बहन ते बेटी दी इज्जत दा पता लगेगा, शर्मो हया होता है कि जिन्ने सारे आंदे अपनी जगह ते रुतबे कायम रखे ने। अगर ये ताला लथ जाए ते बाप नू बेटी दा हया ना रह, बेटी नू भाई दा हया ना रह, हया खत्म हो जाए तो सारे मामला धर्म बरम हो जाएंगे। मैं दसना ये चाहना शर्मो हया का दा नाम है। अलकामूस जदीद वाले ने हया का माना किया, फरमाते ने लिखते की ने, लिखते ने हया अगे जेड़ा हमजा है ना इनू अगर उतार दिता जाए तो यदि जगह पर ता ला दिता जाए लफज हयात बनता है। तो हयात जेड़ा बंदा हयात है वह जिंदा, यानी जिदे अंदर हया नहीं वह जिंदा। बोलो जिंदा, तुसी ते जिंदा हो ना, बोलो जिंदा। हया नहीं तो जिंदा नहीं। जेड़े मुआशरे अंदर हया नहीं वो मुआशरा जिंदा होने के बावजूद मुर्दा हो गया। जेड़ी औरत अंदर हया नहीं वो औरत जिंदा होने के बावजूद मुर्दा हो गई है। हुन अल्लाह हज़ुल जलाल दा कुरान ऐलान कर रहा है, इंसान अल्लाह हज़ुल जलाल ने हया का तज़किरा किया और नबी अली सलाम दा फरमाने गिरामी आप अली सलाम ने फरमाया हर दीन अपनी उमदगी और कोई चीज़ ऐसी होंगी है जिदी वजह तो गालब आंदा है। और इस्लाम दे बारे आमिना दे लाद दा फरमान है इस्लाम हया ते टिके है। इस्लाम दे अंदर हया दा दर्स सब तो पहला नबी अली सलाम ने बयान फरमाया और कुरान ने भी ऐलान फरमाया कि शैतान दुश्मन है हया ते शर्म ते हमला कर दे। तुसी आखोगे जी दलील की है, आओ हजरा कुरान को पूछ लीए। अल्लाह फरमांदे ने ए मेरे महबूब पैगंबर जनाबे मुहम्मद, जरा उच्ची आवाज़ ना कह दियो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। महबूब अलैहिस्सलाम दी ज़ाते गिरामी ते आसमान तो जिब्रील कुरान लेके नाजल हो रहे ने। अल्लाह फरमांदे ने वया आदम उस्कुन अंता व ज़ौजो कल जन्नत फकुला मिना हैसु शिअतुमा वला तक़रबा हा अल्लाह
अल्लाह जुल जलाल वल कराम ने कुरान नाजल फरमाया और ओ बाबा जी आदम तो गल चलती आ रही है। हुन जदों बंदे नू अंदाजा हो जाए साडा फलाना दुश्मन बंदा उहदे तो अपना बचाव कर लैंदा है। और एक गल दादे पड़दादे दी नहीं, ए औलादे आदम दे बाप दी गल हो रही है। ए तुहाडी सारी औलादे आदम दा बाप जनाबे आदम अलैहि सलाम ने उहनां दा तज़किरा कुरान करदा है बया। अल्लाह फरमांदे ने आदम अलैहि सलाम नू तैयार कीता, तैयार करके जन्नत दे अंदर छड़ दिता है। मां जी हव्वा नू पैदा फरमाया। अल्लाह जुल जलाल वल कराम ने तज़किरा कुरान दे अंदर फरमाया। अल्लाह फरमांदे ने असा सारा जन्नत इन्हां वास्ते वसी कर दिता है ते एक दरख्त छड़ दिता। उस दरख्त दे बारे अल्लाह जुल जलाल कह रहे ने असी मना फरमा दिता उस दरख्त दे करीब जान तो, उस दरख्त दा फल खान तो मना फरमा दिता है। ते हुन शैतान नू गल वारा ते नहीं ना खांदी के औलादे आदम कोई नेक बंदा जन्नत वड़ जाए। ओदा ते मिशन ते पक्का के इन्हां लोगां नू जहन्नम दे राह लाना है, बर्दाश्त ही नहीं होया। आदम अलैहि सलातो वसलाम दे कोल आया, आके आंदा अल्लाह जुल जलाल वल कराम ने तुहानू इस फल खान तो मना कीता है। ते कुरान की आंदा है, अल्लाह फरमांदे ने फवसवसा लहुम शैतान ले युबदिया लहुम मा वरिया अनहुम मिन सौआतिहिम वकाल मा नहाकुम रब्बुकुम अन हाज़िहि शजरति इल्ला अन तकूना मलकैन औ तकूना मिनल ख़ालिदीन। वसवसा जनाबे आदम दे ज़हन विच पाया, ओए आदम किहो जिहियां गल्लां करना है, ए दरख्त तुहाडे वास्ते पाबंदी ला दित्ती है, इस दरख्त दे नेड़े नहीं जाना। ते वेखी इस दरख्त दा फल खान तो अल्लाह जुल जलाल ने इस वास्ते मना कीता कि तुसी फरिश्ते ना बन जाओ, यानी हमेशा हमेशा जन्नत विच ना रह जाओ। हुण वसवसा पा के ना ते अगे अल्लाह जुल जलाल दा कुरान कह रहे हैं अपनी गल दस खेना ते अगों कसमां चुकनियां शुरू कर दितियां ने। ओ अकांसा महुमा इन्नी लकुमा लमनन्ना से ही आदम दे सरदार बाबा जी आदम नो कसमा चुक चुक के मनाहन दे आ। ओ आदम फल खा के ते वेख चेक दे कर, हां चेक दे केड़े कोई पैसे लगदे ने, चेक दे करके वेख हां की फल दा सुहाद। जनाबे आदम अली सलातो सलाम ने फल खादा, जन्नती लिबास लथ गया। केड़े लिबास? जन्नती लिबास लथ गया। पता लगा शैतान ने हमला ही लिबास ते कीता है, शैतान ने हमला ही इंसान दे कपड़ियां ते कीता। ओ जन्नती लिबास लथ जांदे ने, दोनों नंगे हो जांदे ने, एंज जन्नत दे दरख्त दे पत्तियां नाल अपना जिस्म छुपा रहे ने। ओ एक गल होर पता लगे ना, अल्लाह जुल जलाल ने इंसान दी फितरत अंदर शर्मो हया रख दिता है। इंसान दी फितरत अंदर शर्मो हया रख दिता है। मैं कुर्बान जावां नबी अली सलातो व सलाम दी जाते गिरामी, हुन लिबास लथ गया ना ते शैतान ने अपना दा चला लिया। हुन कुरान दा अगे को होर मुकाम जरा नोट करे आज। अल्लाह जुल जलाल वल कराम ने औलादे आदम नु दसिया, ऐ आदम दी औलाद इन्ना इन्ना हथ कंडिया तो बच के रहे। ते असली गल की बयान
बयान की थी है। फिर तरीका एक कार भी दस दिता है। कुरान ने बड़ा प्यारा नक्शा खिंचे। अल्लाह फरमांदे ने या बनी आदम कद अंजलना अलैकुम लिबास युवारी सौआतकुम वरीशा वलिबासु तक्वा ज़ालिका खैर ज़ालिका मिन आयातिल्लाह लअल्लहुम यज़्ज़करून। अल्लाह जुल जलाल वलिकर हमने दस दिता है लिबास आम लिबास जेड़े ने बड़ा बेहतरीन लिबास लठे का सूट पा लिया हूँ तो जदीद मशीनरी लिबास दिन ब दिन हल्का बनाया जा रहा है जिसम ते महसूस ना हो। अल्लाह फरमाते ने असल लिबास तुहाडे दिलों का तकवा है वाले बासो तकवा असल लिबास तुहाडे दिलों का तकवा है। पता लगा लिबास बड़ा जरूरी है। खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे हजार बार ना करे कोई एक्सीडेंट हो जाए ना ते कपड़े फट जाते ने। ऐसे ऐसे एक्सीडेंट वेखे ने अल्लाह महफूज फरमाए। कपड़े फट जाते ने हड्डियां टुट जांदियां ने जिसम विचों खून निकलता है ते जेड़े फड़दे ने वह आके आते ने यार एदा सतर ते पहला कजो एदा सतर ते पहला कजो ना खून दी परवाह नहीं हड्डियां दी परवाह नहीं जान दी परवाह नहीं कपड़े फट जांदे ने ओ यार एदा सतर ते कजो ना पता लगा खून नालों जान नालों ज्यादा कीमती बंदे दी इज्जत होया कर दी है। खून नालों कीमती बंदे दा हया होया कर दा खून ते जान नालों कीमती बंदे दी शर्म होया कर दी है। अल्लाह जुल जलाले वली कराम ने दसिया हया नू इख्तियार करना शर्मो हया नू इख्तियार करना। हुन मक्के दे अंदर रवाज चलिया मुनाफका ने ना बिल्कुल बरहना होके बैतुल्ला दा तवाफ शुरू कर दिता ते जदो पुछदे ना भाई लोग ते तवाफ करदे एडी मुकद्दस जगह कि जिदा तज़किरा कुरान अंदर बारहा मरतबा आया ते एक ही ज़ियाती कर दे बैतुल्ला दा तवाफ नंगे हो के बड़ी अजीब बात है। ते ए अपनिया दलीलां पेश कर देने अपनिया दलीलां पेश कर देने ते आंदे ने वाएजा फालो फाहेशतन अपनी दलील पेश करन लगे ने वाएजा फालो फाहेशतन कालू वजदना अलैहा आबाना वल्लाहु अमरना बिहा कुल इन्नल्लाह ला यामुरु बिल फहशा अतकुलूना अलल्लाह माला तालमू। इन्हां कोलों सवाल करदे ने तुसीं इह अमल क्यों करदे हो इह आंदे ने असीं अपने बाप दादियां नूं इंजी करदे आं पाया। ओए खुदारा मैं दाव ते फिकर देना चाहना तुहाडे बुजुर्ग जो कर गए ने अपनी मर्जी नाल कर गए ने उन्हां अपनी कबर विच जाना तुसां अपनी कबर विच जाना। मैं रब दा वास्ता दे के कहना चाहना कुरान पढ़ लै तहकीक कर लै
बजुर्गां दा खैड़ा छड़ दे, अपने मुफ्तियां दा खैड़ा छड़ दे, अपने पीरों मुर्शदां दा खैड़ा छड़ दे, रब दा कुरान पढ़ ले, तेरी दुनिया भी समर जाएगी, आखरत भी समर जाएगी। कुरान पढ़ तहकी करना, इन्हां कोलो पुछया जी क्यों करदे हो, ए आंदे ने असी अपने बाप दादियां नूं इंजी वेखिया। ते दूसरी गल की आंदे ने, आंदे ने जेड़े कपड़िया च असी गुनाह करने आ, जेड़े कपड़िया च फहाशी, जेड़े कपड़िया च जिनाह दे अड्डिया ते जाने आ, असी उन्हां कपड़िया नूं पा के बैतुल्ला दा तवाफ नहीं करांगे। बरहना हो के जिस्म तो लिबास उतार के असी इस बैतुल्ला दा तवाफ करने आ, ते अल्लाह जुल जलाल सानू इंज करन दा हुक्म देंदे ने, अस्तगफिरुल्लाह। कुरान की आंदा है, वल ए आंदे ने वल्लाहु अमरना बिहा, अल्लाह दे पाक पैगंबर अंबर अली सलाम ते कुरान नाजल होया, सोने हो दस दियो, कुल इन्नल्लाहा ला यअमुरु बिल फहशाय, अल्लाह जुल जलाल फहाशी दा हुक्म नहीं दिया कर दे, अल्लाह जुल जलाल बेहयाई दा हुक्म नहीं दिया कर दे। मैं कुर्बान जावा जगां दे पीर अली सलाम दी जाते गिरामी, अल्लाह जुल जलाल वाले कराम ने दीन दी जिम्मेदारी अता फरमाइए, और रब्बुल आलमीन ने इन चीजां दी जिम्मेदारी महबूब अली सलाम दे जिम्मे लगाई है। सोने ओ, इना लोगां नू हया दा दरस दियो ना, शर्म ओ हया दा दरस दियो ना। मेरे पाक पैगंबर अली सलाम दी जाते गिरामी, कुर्बान जावा महबूब अली सलाम तो, तुसी जानदे हो ना अल्लाह जुल जलाल दे प्यारे पैगंबर अली सलाम दी जाते गिरामी, आप गल थोड़ी कर दे, समझा ज्यादा कर दे, कर दे। बिल्कुल थोड़ी गल करना, मतलब मफहूम बहुत ज्यादा गल समझ आ जाती। आका फरमांदे ने सहाबा इकराम नो मुखातब कीता, ए मेरे सहाबियो जी आका की आर्डर है, फरमांदे ने अल्लाह कोलो हया करो जिवें हया करन दा हक बनदा है, अल्लाह कोलो हया करो शर्म करो जिवें उस दाता कोलो हया करन दा हक बनदा है। और सहाबा इकराम भी अपने ज़हन दे मुताबिक सही गल कीती, आका असी सारे बुरे कम्मां तो बचे हाँ, गुनाह दे नेड़े नहीं जाईदा। महबूब सोने अलहम्दुलिल्लाह असी उसे तरह ही करने आ जिमें अल्लाह जुल जलाल कोलो हया करन दा आर्डर है। महबूब अली सलाम फरमांदे ने एक औरत जा रही होए ते उन्हें पर्दा ना कीता होए, अखा नीवियां कर लेना, सिर्फ ए हया नहीं। महबूब अली सलातो सलाम ने कूजे बिच समुंदर बंद कर दिता है, सुभान अल्लाह। मैं कुर्बान जावा जगां दे पीर अली सलाम तफसील बयान करन लगे ने, आप फरमांदे ने ए तेरा जेड़ा सारे ते जो एदे अंदर इनू अल्लाह जुल जलाल दे ताबे बना ले। हुण ईमान ना दस्या जे ज़ेहन विच अकीदा आ जांदा कि नहीं, सोच ज़ेहन अल्लाह दे ताबे होए, बंदा गैर अल्लाह दे सामने सिर सुटदा नहीं। सोच ज़ेहन अल्लाह दे ताबे होए ते बंदा शिरक वाले पासे नहीं जांदा, ऐ सिर नूं रब दे ताबे कर लवे, कबरां दे के सिर नहीं सुटेगा, सिर नूं रब दे ताबे कर लवे, हजरां ते शजरां के सिर नहीं सुटेगा। दूसरी गल महबूब अली सलाम ने फरमाए, आ फरमांदे ने ऐ तेरा जेड़ा पेट है
एदी हिफाजत कर, जेड़ा खाना एदे अंदर पाना है एदी हिफाजत कर, माना की बनेगा। आ फरमांदे ने इस पेट विच रिज़्क़े हलाल पाया कर, इस पेट विच रिज़्क़े हलाल पाया कर। ओए हराम खान वाले लोग जेड़े ने मेरे पाक पैगंबर अली सलाम दी ज़ाते गिरामी, आ फरमांदे ने एक बंदा सूदी कारोबार कर दे, उदा खाना पीना हराम दे, सफर करके मक्कातुल मुकर्रमा जांदा, फ्लाइट दे पैसे खर्च, साडे जिहड़ा रवाज चलदा है फ्लाइट दे पैसे खर्च कर दे, अपना समान लैके जांदा, कारोबार पिछे अपने अजीजां नूं दे के जांदा, अपनी नगरानी जो सारे काम कढ देंदा है, बीवी नूं छड के जांदा, बच्चियां नूं छड के जांदा, लंबा सफर करके मक्कातुल मुकर्रमा पहुंच जांदा। ए आंदा लबैक अल्लाहुम्मा लबैक, लबैक दे तरह ने बुलंद कर लिया, ते जगां दे पीर अली सलाम फरमांदे ने आसमाना तो आवाज आंदी है, ला लबैक वला सादैक, ओए तेरी लबैक कहना कबूल नहीं, तेरा सफर करना कबूल नहीं, तेरा आना कबूल नहीं, तेरा उमरा करना कबूल नहीं। अल्लाह सोने गल की है, इन्ना लंबा सफर तय करके आया, रोंदे बच्चियां नू घर छड़ के आया, बीवी नू घर छड़ के आया। अल्लाह फरमांदे ने मलबसो हो हराम वा मशरब हो हराम, ओए बदनसीबा तेरा खाना भी हराम दा, तेरा पहनना भी हराम दा, तेरियां इबादतां किंज कबूल हो जानगियां। जगां दे पीर अली सलाम कोले एक सहाबी आए, आके कहन लगे सोने हो दुआ फरमाओ कि मैं जेड़ी दुआ करा अल्लाह कबूल फरमा ले। हर बंदे दा दिल करदा, हर बंदे दी सोच है यार मैं इबादत करा, कुरान पढ़ा, हदीस पढ़ा, तर्जमा पढ़ा, ते नमाज़ा पढ़ा, ते मेरी रब दुआ कबूल कर ले। हर बंदे दी सोच है, कारोबार दी दुआ करदा, औलाद दी दुआ करदा, रिजक दी दुआ करदा, दुआ कबूल हो जाए। नबी अली सलाम को लाए, आके कहन लगे सोने हो दुआ फरमाओ, अल्लाह मेरी हर दुआ कबूल फरमा ले। ते नबी अली सलाम फरमांदे ने अपने पेट विच रिज़्क़े हलाल पाया कर। असी वेखिए हलाल दे रिज़्क़ अंदर हराम दी किन्नी मिलावट है। असी आने जी दुआवां कबूल नहीं हुंदियां, बड़े फेड़े ला छड़े ने मुल्तान ते गुजरांवाले ते फलाने पीर साहब कोल ते फलाने कोल दम करवा लैने, दुआवां ही नहीं सुनदा, साडे वल ध्यान ही नहीं करदा। ओए सोने ओ दुआवां सारियां सुनदा पर कबूल होने वास्ते शर्त रिज़्क़े हलाल है। दुआ कबूल करवान वास्ते शर्त रिज़्क़े हलाल है। बंदा अपने पेट विच रिज़्क़े हलाल पाए ना, अल्लाह दे नबी अली सलाम फरमांदे ने रिज़्क़े हलाल पाया कर। मैं कुर्बान जावा, तीसरी गल नबी अली सलाम ने फरमाई है, आप फरमांदे ने बंदा अपनी कबर नू याद रखदा, अपने मरण नू याद रखदा, दुनिया तो टुर जाना, कबर विच जाके सब तो पहला हिसाब किताब होने ने। बंदा अपनी मौत नू याद रखदा, ओए कामो की वालियो इरदा गिर तौन वालियो कुरान सुन्नत देओ परवाने हो, एक गल ईमान ना दसिया जे, अगर किसे बंदे नू पता लग जाए कि मैं कल नू रब दे दरबार विच पेश होना, मैं अहकामुल हाकिमीन दी उस अदालत विच पेश हो के हिसाब किताब देना, अगर किसे बंदे नू यकीन हो जाए उस बंदे
बंदे नू पता लग जाए मैं मर जाना कबर विच जाना हिसाब किताब हो के मेरी सजा जजा मुकर्रर हो जानी है। क्या वो बंदा हराम खा सकता है? क्या वो बंदा चोरी कर सकता है? क्या वो रहजनी बर कर सकता है? क्या वो किसी का हिस्सा खा सकता है? क्या किसी का हक मार सकता है? मेरे पाक पैगंबर अली सलाम फरमांदे ने अपने पेट विच रिज़्क़े हलाल पाया कर। आका अली सलाम फरमांदे ने अपनी मौत नू याद रखिया कर। और मैं कुर्बान जावां सारियां गल्लां एक गल, नबी अली सलातो सलाम ने सारियां गल्लां बयान फरमाया। हुण साडा माहौल की है? असीं अपने घरां दा माहौल वेख लईए, अपने मुआशरे दा माहौल वेख लईए, असीं अपने ऐ लाहौर वेख लो जाके। कल परसों की गल है, तूफान बदतमीजी बबा किया गया, औरतों के हकूक के नाम से जुलूस करवाए जा रहे हैं, रैलियां कड़िया जा रही ने। जे औरतों को इस्लाम ने हक नहीं दिता, मैं नहीं, कुरान आंदा, मुस्तफा का फरमान आंदा, जिन्ना हक इस्लाम ने औरत को दिता किसी और मजहब ने दिता नहीं। यहूदियां वाल वेख लो, हिंदू मत जेड़े बुद्ध मत ने अपनियां बेटियां नू समझदे कुछ नहीं, पैरां दी चप्पल समझ के जुलम और उन्हां दियां इज्जतां ते हमले कीते जा रहे ने। ओए इस्लाम ने ते औरत नू इज्जत बख्शी है, शर्म बख्शे है। जिन्हां नू यहूदी जिंदा दफन कर दिया कर दे, मेरे महबूब अली सलाम ने आके उन्होंने जिंदगी बख्शी। अल्लाह अल्लाह, यहूदी ईसाई आज भी औरत मार्च हो रहा है, इस्लाम दी इज्जत नू पामाल किया जा रहा है। और इस्लाम ने कितनी प्यारी इज्जत बख्शी है, गौर करे आज। औरत अगर माँ है ते जदों बेटी हुंदी है ते ओदे नखरे, ओदे कपड़े, ओदी जुत्ती, ओदा ख्याल ओदा प्यो रखदे, भाई मुहब्बत करदे ने, प्यार करदे ने, शफकत करदे ने। ते जदों जरा बड़ी हुंदी है ते ओदे भाई ओदी इज्जत दा रखवाला, ओदी इज्जत ते आंच नहीं आन देंदा। ते जदों निकाह हो जांदा फिर खामद ओदी इज्जत दा मुहाफज, सारी जिंदगी गुजर जांदी है। अगो बेटे जवान हो जांदे ने, बेटे फिर मां दा ख्याल करदे ने। इस्लाम ने सारी जिंदगी औरत नू तहफ्फुज़ बख्शिया, सारी जिंदगी औरत नू सिक्योरिटी बख्शी है। औरत दे नखरे किते बाप उठा रहे हैं, औरत ते नखरे किते भाई उठा रहे हैं, औरत ते नखरे किते खामद उठा रहे हैं। और मैं रब दा वास्ता दे के उन्हां लोगां नू पैगाम देना चाहांगा और हुक्मराने वक्त नू पैगाम देंगा कि जब तक इस्लाम दा कानून नाफज ना होएगा, इस मुल्क दे अंदर ना अमन आएगा ना अमान आएगा। इस मुल्क दे अंदर अगर अमन चाहते हो तो कानून कादा होए, बोलो उच्ची आवाज ना बोलो, कादा होए, इस्लाम दा कानून आएगा। इस मुल्क दे अंदर खुशहाली आएगी, इस्लाम दा कानून आएगा ते इस मुल्क दे अंदर रिजक भी बढ़ेगा, इस मुल्क दे अंदर कारोबार भी सेट हो जाएंगे। अल्लाह अल्लाह, मैं कुर्बान जावा, इस्लाम ने औरत नू इज्जत ते शर्म बख्शी है। आमीना दे लाल अलैहि सलाम दी जाते गिरामी, मेरे महबूब अलैहि सलातो सलाम नो अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने शर्मो हया दा पैगाम दिता। और कई लोग ऐसे ने जी औरत नू हक नहीं मिलता, मैं कुर्बान जावा इस्लाम ने औरत नू हर तरह दा हक अता फरमाया। मेरे पाक पैगंबर अली सलाते व सलाम दी जाते गिरामी, महबूब अली सलाम तशरीफ फरमान है। और यार ऐसे ऐसे लोग भी ते गुजरे ने ना जिन्ना अपनिया इज्जतां दी हिफाजत की। अल्लाह जुल जलाल वल इकराम दे जन्नत दियां हुक्मरान बन
बन गईयां। मैं कुर्बान जावां, नबी अली सलाम को एक बीबी आई, आके कहन लगी सोने हो मिर्गी दा दौरा मैनू पैंदा है। ते महबूब सोने हो दुआ करो अल्लाह मैनू शिफावां अता कर दे। दुआ कादे वास्ते करान आई? बीमारी दी शिफा वास्ते। ते जगां दे पीर अली सलाम फरमांदे ने, नी बीबी अगर ते इस बीमारी ते सबर करेंगी मैं मुहम्मद जन्नती जमानत दे देंगा। सुबहान अल्लाह, नबी अली सलाम ते जन्नत दे टिकट वंड देने पे। सुबहान अल्लाह, मौके बड़े ने। आका फरमांदे ने, नी बीबी अगर इस बीमारी ते सबर करेंगे मैं मुहम्मद जन्नतियां बशारत तेनू दे देंगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ते इथों उठ ए नहीं कीता कि घर जाके महबूब मैं अपने खावर ना मशवरा कर ला, भाई ना मशवरा कर ला, या होर किसी ना मशवरा करके ते फिर आके तुहानू दसांगी जन्नत लैना के नहीं लैना। आके आंदी महबूब सोने हो मैं अपनी बीमारी ते सबर करांगी, दुआ फरमाओ अल्लाह मैनू जन्नत अता कर देवे। मेरे पाक पैगंबर अली सलाम ने दुआ फरमाई ते उठ के ना वापस टुर पई। ते थोड़ा जा दूर जाके ना वापस फिर आई, नबी अली सलात व सलाम नू कहन लगी महबूब सोने हो एक गुजारिश लैके आई हाँ, मैनू मिर्गी का दौरा पैंदा। आका सोने जमीन ते डिग पैनी हाँ, बाजार जांदे दौरा पै जांदा जमीन ते डिग पैनी हाँ, सोने मेरा सतर खुल जांदा है। कितनी पर्दे वाली औरत हयाद आ कितना फिक्र लगा, सोने मेरे चेहरे तो परदा हट जांदा है। मेरे महबूब अली सलात व सलाम नू अर्ज कर लगे सोने दुआ फरमाओ अल्लाह मेरे पर्दे दी हिफाजत फरमा ले। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला फरमांदे ने, इंज जा रहे ने अपने शागिर्द ने नाल ते इंज घर वल नजरां पईयां ते आंदे ने मैं तेनू एक जन्नती औरत दा घर ना वेखावा, जी उस्ताद जी दिखाओ ना। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास फरमांदे ने, उस औरत दा घर है जिन्हों आमिना दे लाल ने जन्नत नतियां समानता दितियां ने। सुभान अल्लाह, मैं कुर्बान जावां अल्लाह जुल जलाल वल करम ने हया दा तज़किरा कुरान अंदर फरमाया। जनाब मूसा अलैहि सलातो व सलाम दी ज़ाते ग्रामी असी अपना मुआशरा वेखिए असी हया तो कितना दूर हाँ, असी अपना मुआशरा वेखिए असी शर्मो हया दा किन्ना को ख्याल रखने हाँ। कह कुरान मुहम्मद सूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शर्मो हया दा पैगाम मुस्तफा ने दिता, शर्मो हया दा पैगाम कुरान दे रहा। कह कुरान मुहम्मद सूरज ए खूब करे रोशनाई, इना छोड़ तरीक नबी दा बत्ती होर जगाई। कह कुरान जिना नहीं करना रब सच्चे थी डरना, ए आखन असा करना ही करना याद ना रह गया मरना। अपने सीने ना लगाइए, कुरान दे अंदर जनाबे मूसा अलैहि सलातो सलाम दा जिक्र होया। अल्लाह जुल जलाल ने तज़किरा एथे भी हया दा फरमाया और हया दा दर्स अल्लाह जुल जलाल दे नबिया नू दिता। कुरान ऐलान कर रहा वलम्मा वारदा मा अमदियाना वजदा अलैहि उम्मतम मिनन्नास यस्कून,
ਵਾਜਾ ਦਾ ਮਿੰਦੂ ਨੇ ਮੁਮਰਾ ਅਤੈਨ ਤਜ਼ੂਦਾਨ ਕਾਲਮਾ ਖਤਬੁ ਕੁਮਾਰ ਕਾਲਾ ਤਾਲਾ ਨਸਕੀ ਹੱਤਾ ਯੁਸ ਦਰਰਿਆ ਵਾ ਅਬੂ ਨਾ ਸ਼ੇਖ ਕਬੀ सलाम का जिक्र किया मिस्र विचों निकले मदियन वाल सफर करते करते आ रहे हैं थकावट बड़ी है भुख बड़ी लगी है मदियन दे खूह ते आ गए वेख्या लोग पानी पिला रहे हैं जानवरों नू ते दो बच्चियां अलहदा खड़िया ने जानवरों नू लैके जेहन च परेशानी हुई सी पता नहीं की मसला है ते जो सारे ने पानी पिला लिया मूसा अलैहि सलाम कोल गया पुछया नी अल्लाह वालियो किधर आईया जे तुहानू कल्या इंज खूह ते नहीं सी आना चाहिदा तुहानू कल्या इत्थे नहीं सी आना चाहिदा जानवरां नू लैके ते ए आंदियां ने वे वीरा की सवाल कर लिया ई अल्लाह जुल जलाल वल कराम ने बेटा सानू भाई ते अल्लाह ने अता ही नहीं कीता साडे वालिद साहब साडे नाल आंदे रहने ओ बीमार ने ज्यादा हो गए ने और मूसा अलैहि सलाम केड़ा प्यारा अंदाज है मूसा पुछया तुसी है कलिया क्यों माल चरावन आया परदे विचों रो कर बोलिया असी शुएब वली दिया जाया अगे नाल साटे आउंदा आउंदा सी बाप प्यारा मूसा पुछया हुन नहीं आया तुहाडा बाप प्यारा बेवीरा साडे कोलो की पुछना है बाप साडा बुढ़ा हो गया बाप साडा बुढ़ा होया जिसम विच कमजोरी असी दोवें पैना बकरियां चारिए वीर नहीं साडा कोई राज राज पानी पिलाया मूसा ओना बकरियां ताई सारे शुएब वली दिया तिया देन दुआई इन्हां नू रवाना करके आप इस दरख्त दी छां थले बह जांदे ने ते कुरान ऐलान करदा फसका लहुमा सुम्मा तवल्ला इलज़िल फकाला रब्बे इन्नी लिमा अनज़लता इलैया मिन खैरिन फकीर फजा तो एहदाहुमा तमशी अलस्ते हया कालत इन्ना अभी अदो का लिया जजिया का आजरा मास कई तलना फलम्मा जाहू व कस्सा अलैहिल कसस काल ला तखव न जौत मिनल कौम ज़ालिमी मूसा अलैहि सलाम दरख्त दी छावें बह गए रब्बा सोनिया भुख बड़ी लगी है इधरों ये बच्चियां घर पहुंचिया ते बाप समझदार है बाप से आना सवाल किया बेटियो अगे पिछे बड़ी लेट आंदियां ने ते जानवर भी तुहाडे भुखे हुंदे ने ते खैर ना
अज जल्दी आ गई गे तो आड़े चेहरे ते परेशानी कोई नी जानवर तो आड़े रजे ने ओए मुरी कामों की वालिया मैं खुदा दा वास्ता दे के कहना चाहना अपनिया औलादा कोलो सवाल करया कर अपने पुत्रा कोलो सवाल करया कर रात दे दो ढाई बजे कितों आन दे ए मैं फ्रिज लैके देन जोगा नहीं एडा खूबसूरत फ्रीजर कितों आ गया मैं गड्डी लैके देन जोगा नहीं एडी बड़ी गड्डी कितों आ गई है खुदा ना पूछे अगर अपने बेटियां कोलो मैं रात इस वेल तेरे कोलो पूछना कितों आन दे अज पुत्रा नू नहीं पूछेगा कल धियां नू पूछन दा भी हक खो बैठेगा कल धियां नू पूछन जोगा भी नहीं रहेगा इस तो पहले कि लोग गल्लां करन आप अपनी औलाद दा ख्याल कर ले बेटियों कितों आईयां जे एडी जल्दी आ गईयां जे ते बेटियां दी अब्बा जी परेशान ना होया जे असी तुहाडी इस्मत वाली इफ्फत वाली पाक चादर नू दाग नहीं लगन देंगियां मैं कुर्बान जावां मेरे पाक पैगंबर अली सलाम ते कुरान नाजल होया सोने हो मूसा अली सलाम दा तज़किरा करो ना हया वाली औरत इतनी है एंड मूसा अली सलाम तो सलाम वाल टूरी बाप आंदा जा उस नेक बंदे नू बुला लिया असी ओदी इस नेकी दा बदला उन्नू देहांगे एंड टुर पई है जनाबे मूसा अली सलाम तो सलाम वाल ते अल्लाह जुल जलाल ने कुरान नाजल फरमाया आमिना दे लाल अली सलाम तो सलाम ते ए बेटी टुर पई है अल्लाह जुल जलाल ने कुरान बना के मुस्तफा ते नाजल कर दिता है एक दोवा थी टुर दी आई ओपर तौर शर्म दे ओए किन्नी हया वाली होएगी अल्लाह जुल जलाल नु ओदी चाल इन्नी पसंद आई है रब्बे जुल जलाल ने कयामत दियां दीवारां तक कुरान बना देता एक दुआ थी टुर दी आई ओ पर तौर शर्म दे बाप मेरा तेनू सद बुलावे ओ देवे अजर करम दे तुसा जो पानी रज पिलाया देवे ओ मजदूरी कपड़ा शर्मो लैके ओ बोली सुखन जरूरी मूसा अजर न लेना चावे भुख ने बहुत सताया अगे लग टुरी ओ बीबी मूसा मगर सदाया आके आंदी अल्लाह वाले तेनू मेरा वालद बुला रहा शको शुभा भी नहीं पाया आके आंदी है वे वीरा मेरा बाप तेनू बुला रहा जी कादे वास्ते तुसा जेड़ी नेकी साडे नाल कीती है ना ओदा अजर देन वास्ते बुलाया साफ साफ गल कर दी है कोई शुभा नहीं रहन दिता मूसा अलैहि सलाम टुर पै ते ए बीबी अगे अगे जा रही है हवा जरा तेज चली एदी पिंडली तो कपड़ा पिछे हटिया अल्लाह दे नबी हया वाले होया कर देने पिंडली तो कपड़ा पिछे हटिया मूसा अलैहि सलाम ने आवाज दीती नी बीबी मैं अगे अगे चलना वा तू मेरे पीछे पीछे आ ते जिधर जाना होए ना जिधर रास्ता होए बोलना भी नहीं वटा सुट देवी मैं उधर नू ही टुर पवांगा बोलना नहीं वटा सुट देवी मैं उधर नू टुर पवांगा क्योंकि औरत दी आवाज दा भी पर्दा मैं कुर्बान जावा इस्लाम हया दा दरस देंदा इस्लाम शर्मो हया दा पै कर मेरे महबूब अली सलात व सलाम ने शर्मो हया दा दरस दिता और इस वास्ते कुरान ऐलान कर रहे हैं अल्लाह फरमा देने ए मेरे महबूब पैगंबर जनाबे मुहम्मद
मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान फरमा दियो असां लिबास वाली नेमत अता फरमाई है, असां लोगों नू लिबास जैसी अजीम नेमत अता फरमाई है। अपना सतर कज के रखना, अपने आप नू लिबास दे अंदर रखना, अपने आप नू बेहयाई तो बचाना, अपने आप नू गुनाहों तो बचाना, अपने जिस्म नू किसे दे सामने जाहर करन तो बचाना। और कुरान ऐलान कर रहा या बनी आदम, ए औलादे आदम, या बनी आदम कद अंजलना अलैकुम लिबासं युवारी सौआतकुम वरीशां वलिबासु तक्वा ज़ालिका खैर ज़ालिका मिन आयातिल्लाहि लअल्लहुम यज़्ज़करून। औलादे आदम, अपना लिबास जड़े तुसी कपड़े पांदे हो, अपने जिस्म नु कजना असल लिबास ओ तुआडा तकवा, ओ दिलां दा तकवा। अपनी नजर अंदर हया पैदा करो, अपना सर, अपना पेट, अपनी आखरत नो अल्लाह जुल जलाल वास्ते खास कर दियो। अपनी आखरत दा भी ध्यान रखना, अपनी सोच दा भी ख्याल रखना, और अल्लाह ते उहदे रसूल दे अहकामात दे मुताबिक अपनी जिंदगी गुजार के अल्लाह जुल जलाल दे हां सुरखरू होना। तुहाडी दुनिया भी बेहतर हो जाएगी, तुहाडी आखरत भी संवर जाएगी। अल्लाह को दुआ है अल्लाह सानू सारिआं नू कुरान सुन्नत दे मुताबिक जिंदगी बसर करन दी तौफीक नसीब फरमाए, और साडे घरां नू अल्लाह हया वाला बनाए, साडियां औरतां नू मावां बहनां बेटियां अल्लाह मर्दां दी औरतां दी नज़र अंदर हया पैदा कर दे, और सानू आमिना दे लाल अली सलाम दे नक्शे कदम ते चलन दी तौफीक नसीब फरमाए। صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين करीम। اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه اذهب الباس رب الناس واشف انت شافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما يا قاضي الحاجات اقضي حاجاتنا وحاجات المسلمين يا شافي الامراض اشف مرضانا ومرض المسلمين या रब्बुल आलमीन अपनी रहमत नाल बीमारां नूं शिफाए कामिला नसीब फरमा। अल्लाह तंग दस्तां दियां तंग दस्तियां दूर फरमा। शाह बे औलादां नूं नेक साले औलादां अता फरमा। अल्लाह साडे चो जिन्हां दे पैना पाई अजीज़ो अकार फौत हो गए ने उन्हां दी मगफिरत फरमा। गुनाहगार संते गुनाह फरमा, नेक संते दराजात नूं बुलंद फरमा। अल्लाह खात्मा बिल ईमान खात्मा बिल खैर फरमा। अपने पाक पैगंबर दे हथों जामे कौसर नसीब फरमा। या रब्बुल आलमीन साडियां अखां अंदर हया पैदा फरमा, साडे माशरे अंदर हया पैदा फरमा। या रब्बुल आलमीन पाकिस्तान ते अहले पाकिस्तान दी फरमा, पाकिस्तान दे वैरियां दुश्मना दे अजायब नू खाक अंदर मिला। या रब्बुल आलमीन हरमैन शरीफैन दी हिफाजत फरमा। या रब्बुल आलमीन बैतुल मुकद्दस नू दुश्मना तो आजादियां नसीब फरमा। अल्लाह इस मस्जिद दे बानी हजरत अब्दुल गनी शाह रहमतुल्लाह अलैह, हजरत हबीबुर रहमान यजदानी रहमतुल्लाह अलैह,
या रब्बुल आलमीन उन्हां दियां कबरां नूं जन्नत दे बाग बना। अल्लाह इस मस्जिद नूं रहिंदी दुनिया तक आबाद फरमा। जो इस घर नूं आबाद रखदे ने तू उन्हां दे घरां नूं आबाद फरमा। या रब्बुल आलमीन वालदे मोहतरम नूं सेहत नाल लंबी जिंदगी अता फरमा। अल्लाह खैर खरीयत नाल पाकिस्तान ले आ। और रब फिर वरहम वंत खैर राहिमीन सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्की मुहम्मदिन व आलिही व सहबी अजमईन।